नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के जो दो प्रश्न उत्तर रह गए उनकी बात करेंगे। तो चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखें। पाठ पठन में भी बात हुई थी कि जो पत्र हैं लिखित रूप में होते हैं, सर्वप्रथम होते SMS भी हैं पर वो डिजिटल हैं, इन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। किनको? पत्रों को, उपयोगी एवं शिक्षाप्रद, जो शिक्षाप्रद है हमें ज्ञान देने वाले पत्रों को पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र जो हैं संग्रहालयों, ठीक है, जिन्हें म्यूजियम कहा जाता है, पुस्तकालयों लाइब्रेरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो SMS संक्षिप्त होते हैं बच्चों तथा मोबाइल फ़ोन पर होते हैं, इन्हें सहेज कर भविष्य के लिए रखना संभव नहीं। और दूसरी बात, पत्र में लिमिट नहीं होती, सीमा नहीं होती। SMS आप आज भी लिखेंगे, ज़्यादा लंबा लिखेंगे वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वैसे ही व्हाट्सएप का ज़माना है, बट फिर भी पत्र की महत्ता है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो बच्चों, सर्वप्रथम ये आज बहुत बढ़ चुके हैं पर पत्र का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि वो उन लोगों को पता है जिन्होंने ये मज़े लिए थे पत्रों के, ठीक है। आज हम वो महसूस नहीं कर सकते। तो संचार के बढ़ते साधनों, मतलब फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल, ये हैशेस डाल दिए क्योंकि ऊपर है, तो इन सभी का आदि का प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इनका प्रयोग भी करते हैं और इनसे पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते, ये मेरा मानना है और वैसे भी सही है। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से किया जाता है और किया जाता रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीयता, जो दिल के तार, जो प्रेम, जो लगाव मिल जाता है, वह संचार के इन साधनों द्वारा नहीं मिल सकता। अब व्हाट्सएप का मैसेज आता है, इधर आया, उधर फॉरवर्ड किया, कि वो क्या, वो दिल के भाव तो नहीं है ना, माना उनसे जुड़े हैं पर वो फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, वो पत्रों में ही आती थी, बंदा सोच कर खुद कोशिश करके लिखता था। धन्यवाद बच्चों।